बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.13। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन व्हिच द टू प्लेन्स आर डॉट ए इज इक्वल टू वन एंड आर डॉट बी इज इक्वल टू वन मीट। अच्छा, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है और वो इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है जिस पर दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है कि बराबर है आर क्रॉस यू एस इक्वल टू बी, तो हमने ये फॉर्म लेके आना है क्वेश्चन में। अच्छा, तो क्वेश्चन में दिया गया है आर डॉट ए इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, और आर डॉट बी इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अच्छा, इस फॉर्म को लेके आने के लिए मैं इक्वेशन नंबर वन के साथ बी को मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग बी विद इक्वेशन वन। अच्छा, तो ये बन जाएगा आर डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू बी। अच्छा, और मल्टीप्लाइंग ए विद इक्वेशन टू, इक्वेशन टू के साथ मैं ए को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा आर डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री कहूँगा और इसको इक्वेशन नंबर फोर कहूँगा। अब मैं इक्वेशन थ्री से इक्वेशन फोर को माइनस करूँगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा आर डॉट ए बी माइनस आर डॉट बी ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर हैं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर हैं, तो ये बराबर हो जाएगा आर क्रॉस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.14। इस क्वेश्चन में कहा गया है पार्ट ए, एक्सप्रेस द वेक्टर ए क्रॉस बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ए बीटा ए प्लस गेमा सी, अज्यूमिंग दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर। अच्छा, पार्ट बी है, हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी डॉट सी होल स्क्वायर दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, पार्ट सी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन मेड फ्रॉम फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स ऑफ लेंथ वन। अब मैं पार्ट ए को सॉल्व करूंगा। पार्ट ए में कहा गया है कि एक्सप्रेस द वेक्टर्स ए क्रॉस बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गेमा सी, तो इसका मतलब ये है कि हमने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गेमा सी की इक्वल लिखना है। मतलब हमने अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, बीटा की वैल्यू मालूम करनी है और गेमा की वैल्यू मालूम करनी है, और फिर इक्वेशन वन में पुट करना है, तो हमारे पास पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, हम अल्फा की वैल्यू मालूम करते हैं। अच्छा, अल्फा, तो अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अल्फ़ा ए के बराबर लूँगा, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अच्छा, इक्वेशन नंबर टू के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा विद बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू अल्फ़ा ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, अब मैं इसको खोलूँगा और अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करूँगा। यहाँ पर हमें पता है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये मैं लिखूँगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू अल्फ़ा ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, तो मैं अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को खोलूँगा, ए डॉट अपनी जगह पर लिखूँगा और ये आ जाएगा बी इंटू बी डॉट सी माइनस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर, यहाँ पर ये सी है, इज इक्वल टू अल्फ़ा ए डॉट बी क्रॉस सी।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं ए डॉट बी क्रॉस सी को यहाँ पर डिवाइड करूँगा और यहाँ पर भी डिवाइड करूँगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डॉट, यहाँ पर ए डॉट बी बी, मैं बी बी को मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट सी आ जाएगा माइनस सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू। अच्छा, अब मैं मालूम करूँगा सेकंड नंबर बीटा की वैल्यू। अच्छा, तो बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं ए क्रॉस बी बराबर लूँगा बीटा पी की। अच्छा, तो ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। तो मैं इक्वेशन नंबर थ्री के साथ सी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट लूँगा। वहाँ पर मैंने B क्रॉस C का डॉट प्रोडक्ट लिया था, अब मैं यहाँ पर C क्रॉस A का डॉट प्रोडक्ट लूँगा। तो A क्रॉस B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू बीटा B डॉट C क्रॉस A। अच्छा, तो मैंने पहले कहा था कि डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C क्रॉस A इट्स इक्वल टू B एंड टू B डॉट C क्रॉस A आ जाएगा। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये बराबर आ जाएगा A डॉट C एंड टू B डॉट A माइनस A एंड टू B डॉट C is equal to beta b dot c cross a। अच्छा, अब मैं बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को b dot c cross a पर डिवाइड करूँगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा a dot c b dot a, मैंने इस a को मल्टीप्लाई किया, माइनस b c B डॉट C, यहाँ पर A है और ये भी A है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय B डॉट C क्रॉस A। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ बीटा। अच्छा, अब मैं मालूम करूँगा वैल्यू ऑफ गेमा। थर्ड नंबर वैल्यू ऑफ गेमा। अच्छा, तो गेमा की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं ए क्रॉस बी इक्वल लूँगा गेमा सी की। अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट लूँगा ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू गेमा सी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंज करें तो ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू गेमा सी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट को खोल ले तो ये आ जाएगा ए डॉट ए एंड टू बी डॉट बी माइनस बी एंड टू ए डॉट बी इज इक्वल टू गेमा सी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर हो गया माइनस ए बी हो गया, ए डॉट बी, ये ए डॉट बी और ए डॉट बी अपने जगह पर इज इक्वल टू गेमा सी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, गेमा को मालूम करने के लिए मैं दोनों साइड्स को सी डॉट ए क्रॉस बी पर डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा गेमा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ये ए माइन ए डॉट बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो गया कि नहीं, एक ए है और एक ए है, डिवाइड बाई सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ गेमा। फुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गेमा एंड इक्वेशन नंबर वन। तो ए क्रॉस बी बराबर आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
ए डॉट बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी बी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। और यहाँ पर अपनी जगह पर ए है, प्लस ए डॉट सी बी डॉट ए माइनस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर एन टू बी डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वेयर इनटू सी डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गेमा। पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। हमने पार्ट ए मालूम किया, अब पार्ट बी मालूम करेंगे। पार्ट बी में कहता है कि हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी डॉट सी स्क्वेयर। इसके लिए एक्सप्रेशन मालूम करनी है और उस एक्सप्रेशन में क्रॉस प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ऊपर वाले रिजल्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद सी। अच्छा, तो ऊपर वाला रिजल्ट बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू, अब इन तीनों के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद सी, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर एन टू, यहाँ पर ए है तो ए डॉट सी आ जाएगा, डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, प्लस आ जाएगा ए डॉट सी बी डॉट ए। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो सी की बजाय बी डॉट सी है, मैंने गलती से सी लिख दिया है, तो ये आ जाएगा माइनस बी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर एन टू बी डॉट सी डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वेयर एन टू सी डॉट सी आ जाएगा, डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट सी इसके साथ और बी डॉट सी इसके साथ और सी डॉट सी इसके साथ, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर देखें तो ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर हो जाएगा, और बी दोनों है तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर हो जाएगा, और सी भी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ए डॉट सी है और यहाँ पर भी ए डॉट सी है, तो ये ए डॉट सी होल स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर है डिवाइड बाय। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी, तो मैं इसके ए डॉट बी क्रॉस सी की बजाय मैं लिखूँगा ए क्रॉस बी डॉट सी। अच्छा, और यहाँ पर आएगा, अब देखो बी डॉट सी हैं और ए डॉट सी भी हैं, तो ए और ए दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे आ जाएगा ए स्क्वेयर डॉट बी सी है तो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर भी बी सी है, तो माइनस बी डॉट सी स्क्वेयर बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर डिवाइड बाय ए क्रॉस बी डॉट सी। अच्छा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर अपने जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर, और यहाँ सी डॉट सी है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वेयर, माइनस ए डॉट बी अपने जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वेयर इसके साथ भी आ जाएगा, डिवाइड बाय ए क्रॉस बी डॉट सी। अच्छा, अब मैं ए क्रॉस बी डॉट सी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी का होल स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्रॉस बी डॉट सी का होल स्क्वेयर आ जाएगा और इन दोनों से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वेयर माइनस
ए डॉट सी होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब देखो ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर अपने जगह पर लिखूंगा माइनस बी डॉट सी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, अब ये होगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी का वो एक्सप्रेशन है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी स्क्वायर दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्रॉस प्रोडक्ट, तो पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब चलो आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में कहते हैं कि आपने मालूम करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मेड फ्रॉम फोर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड्स ऑफ लेंथ वन। अच्छा, तो कहते हैं कि आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मालूम करना है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बराबर है वी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी के डिवाइड बाई सिक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई सिक्स आर बराबर हैं ए डॉट बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई सिक्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये शो करता है बेस को और ये हाइट को शो करता है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन थ्री हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर ये मैं सॉल्व करता जाऊँ तो क्वेश्चन थ्री बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए आप खुद सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.15। क्वेश्चन में कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम एट पोजीशन आर एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी एज सब्जेक्ट टू अ फोर्स एफ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन एफ माइनस रो आर आर शो डेट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज कॉन्स्टेंट। हमने एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को कांस्टेंट लेके आना है, तो सॉल्यूशन में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बराबर है h इज इक्वल टू m r क्रॉस v। अच्छा, अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, तो ये बराबर आ जाएगा पार्शियल h डिवाइड बाय पार्शियल t इज इक्वल टू m कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा पार्शियल r डिवाइड बाय पार्शियल t क्रॉस क्रॉस v प्लस m r क्रॉस पार्शियल v डिवाइड बाय पार्शियल t। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होता है, कांस्टेंट बाहर आ गया पार्शियल r बाई पार्शियल t और v को छोड़ दिया, फिर हमने r को छोड़ दिया और v की डेरिवेटिव ले ली। अच्छा, अगर हम देखें तो m r डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t इज गिव वेलोसिटी v क्रॉस v प्लस m r। अच्छा, m r क्रॉस अगर यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t गिव्स एक्सेलरेशन v डॉट। अच्छा, तो हमें पता है कि दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा जब वो दोनों वेक्टर सेम हो, प्लस m r क्रॉस v डॉट। अच्छा, ये ज़ीरो हो गया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि न्यूटन लॉ के मुताबिक एफ रिलेशन में होता है एक्सेलरेशन के साथ, और यहाँ एक्सेलरेशन रिलेशन में है आर के साथ, तो ये वेक्टर भी ज़ीरो हो गया। तो पार्शियल एच बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो द मोमेंटम वेक्टर इज कांस्टेंट। पार्शियल एच by partial t is equal to constant। Thank you।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 1.16 क्वेश्चन में कहते हैं स्केच द स्केलर फील्ड टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई। हमने स्केच करना है, ड्रॉ करना है स्केलर फील्ड को। अच्छा क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा जब हम वाई की वैल्यू मालूम करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा अगर हम देखें तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा अगर हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करेंगे तो ये हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई देगा। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसका प्लॉट इस तरह आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स पर ये हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई देगा, तो इसका ग्राफ एक पैराबोला बन जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, द ग्राफ इज अलोंग वाई एक्सिस। नाउ अगर हम एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर का ग्राफ खींचे तो ये इस तरह बन जाएगा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, पैराबोला होगा लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर का और ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। लेकिन क्वेश्चन में वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट दिया गया है, मतलब ये वाला ग्राफ हमने मालूम करना है। जिस तरह हम एक्स की वैल्यू डालते रहेंगे तो ये हमें वाई का वैल्यू देगा, और साथ में अगर कांस्टेंट के वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर हम मालूम करें ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का ग्राफ तो ये किस तरह आ जाएगा, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो ये तो ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। यहाँ पर हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अगर हम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन करेंगे तो इसका ग्राफ एक स्टेप ऊपर आ जाएगा, वन स्टेप क्योंकि प्लस वन है तो वन स्टेप ऊपर जाएगा, वन स्टेप ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का। और अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन करें तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ये वन स्टेप नीचे आएगा। तो ये ग्राफ इस तरह होगा, पैराबोला होगा लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने कांस्टेंट की वैल्यू माइनस वन लगाई है। तो ये ग्राफ होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन के। ये मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूँ, अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू माइनस वन लगाए और एक्स की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स देंगे, और फिर जब आप पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके साथ ये ग्राफ बन जाएगा। इस तरह आप कांस्टेंट की वैल्यू डालते जाएँ और आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के कर्व बन जाएंगे। तो मैं एक तीन चार और भी बना लेता हूँ, ये एक तीसरा हो गया, आप चौथा भी बना सकते हैं। कांस्टेंट की मुख्तलिफ वैल्यू डालते जाएं तो आपको वैल्यू वाई की भी मिलेंगी और एक्स की भी मिलेंगी। ये अगर हम कांस्टेंट के प्लस वैल्यू डालते जाएं तो ये हमें अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ देगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स माइनस एक्सिस है और ये वाई माइनस। सो दिस इज द स्केच ऑफ स्केलर फील्ड टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1.17 क्वेश्चन में कहता है स्केच द वेक्टर फील्ड यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड माइनस एक्स। अच्छा अब हमने ड्रॉ करना है, स्केच करना है वेक्टर फील्ड को। क्वेश्चन में दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स वाई पर डिपेंड करता है और ये इक्वल है x प्लस वाई माइनस एक्स के।
तो वेक्टर फील्ड को स्केच करने के लिए हम मुख्तलिफ वैल्यूज लेंगे एक्स और वाई की। तो एक्स वाई की वैल्यू बराबर हो, अच्छा, और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू की बेस पर यू भी बराबर हो जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू की बेस पर वेक्टर फील्ड यू भी हमें एक वैल्यू देगा। अच्छा, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो और वाई की वैल्यू वन हो, तो एक्स प्लस वाई को अगर हम ऐड करेंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगा वन ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि एलॉन्ग एक्स एक्स ये बराबर है ए वन यूनिट वेक्टर के प्लस ज़ीरो ए टू यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर एक्स वाई की वैल्यू हम ले लें वन और ज़ीरो, तो यू बराबर आ जाएगा वन ज़ीरो के, और ये इक्वल होगा ए वन यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो ए टू यूनिट वेक्टर। अगर हम वाई और एक्स की वैल्यू पुट करें ज़ीरो माइनस वन, तो यू की वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस वन ज़ीरो की। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस वन ए वन यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो ए टू यूनिट वेक्टर। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू ले लें माइनस वन ज़ीरो, तो यू की वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस वन और ज़ीरो की। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस वन ए वन यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो ए टू यूनिट वेक्टर। यहाँ पर वन आ जाएगा क्योंकि माइनस वन एंड माइनस एक्स है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये भी वन ए टू यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इस तरह आप डिफरेंट वैल्यू आप एक्स एंड वाई ले सकते हो और फिर उसको स्केच कर सकते हो। चलो हम इस चार वैल्यूज़ को स्केच करते हैं, लेकिन स्केच करने से पहले ये ज़रूरी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये शो करता है कि हमने एलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़ीरो यूनिट जाना है और एलॉन्ग वाई एक्सिस वन यूनिट जाने हैं, और यहां पर ये वेक्टर यू की डायरेक्शन को शो करता है कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वाई एक्सिस इज जीरो। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई। तो स्केच करते हैं, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और वाई की वैल्यू वन है, ठीक है। तो अच्छा, तो वाई की वैल्यू कितनी है, वन है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो और वाई की वैल्यू वन हो, तो यू बराबर हो जाएगा जिस तरह मैंने फाइंड आउट किया है वन ए वन यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो ए टू यूनिट वेक्टर। तो मैंने कहा कि ये डायरेक्शन को शो करता है, तो डायरेक्शन एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसका वेक्टर फील्ड ये बन जाएगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका डायरेक्शन है। अच्छा, और अगर मैं प्लॉट करूँ एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो u बन जाएगा u इज इक्वल टू वन ए वन यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो ए टू यूनिट वेक्टर। तो x इज इक्वल टू वन है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्शन कहाँ पर है, y एक्सिस में, तो इसका डायरेक्शन u बन जाएगा। अगर मैं पुट करूँ x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू माइनस वन, तो u बन जाएगा माइनस वन ए वन यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो ए टू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो x यहाँ पर ज़ीरो है, y इज इक्वल टू माइनस वन है, y इज इक्वल टू माइनस वन है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा माइनस वन। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस पर है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस वन ले लूँ, माइनस वन, और y इज इक्वल टू ज़ीरो ले लूँ, तो u बन जाएगा माइनस ए वन यूनिट वेक्टर प्लस वन ए टू यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो x एक्सिस कितना है, माइनस वन है, यहाँ पर माइनस वन हो गया। एलॉन्ग x एक्सिस पर भी है डायरेक्शन और एलॉन्ग y एक्सिस पर भी है, एलॉन्ग x एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन इसका इस तरह हो गया। अच्छा, और एलॉन्ग y एक्सिस पर भी है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमें दो डायरेक्शन देते हैं, एक एलॉन्ग y एक्सिस देता है और एक एलॉन्ग x एक्सिस देता है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किस तरह होगा, ये इसका
रिजल्टेंट डायरेक्शन बन जाएगा। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के एलांग भी हैं और पॉजिटिव वाई एक्सिस के एलांग भी हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ वाई और एक्स की वैल्यू ले लें और फिर वेक्टर फील्ड यू की वैल्यू मालूम करें और एक्स वाई प्लेन में ड्रा करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।